हरियाणा में चुनावी सरगर्मी रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन विरोधी पार्टियां एक दूसरे पर बयानबाजी करने में लगी हैं। अभी हाल ही में जेजेपी के चुनाव चिन्ह को बदलने पर भी राजनीतिक दल चुटकी भर रहे हैं। जैसे 11 जून हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री ने जेजेपी के चाभी चुनाव निशान पर कटाक्ष कसते हुए कहा कि नहीं पता ओम प्रकाश चौटाला किसको चाबी देंगे। वहीं शिक्षा मंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री गुरुकुल कुरुक्षेत्र के एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। चलिए आइए देखते हैं शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने क्या कहा। पर भोजन करे बिना कोई नहीं जाएगा। क्या कहेंगे? आज गुरुकुल का कार्यक्रम था, बेटियों का प्रशिक्षण शिविर का समापन था और बहुत जोरदार कार्यक्रम था और इसमें 1400 बेटियां हमारी राजकीय विद्यालय की सब बेटियां थी। ये अमरकोट डॉक्टर जो है ये भी हमारे संस्कृत प्रोफेसर है और ये बहुत उत्तम आयोजन था। ये हरियाणा सरकार ने हमने जो 5 साल से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है ये एक नमूना यहाँ पर था। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कल कहा कि मोदी लहर में बीजेपी जीत गई, यहाँ पर आगे मुद्दों पे कोई चुनाव नहीं। अरे इस बार हुड्डा हुड्डा जी अब चूक गए। हुड्डा जी ने ये कहा कि मैं वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाऊंगा। वाया दिल्ली चंडीगढ़ का रास्ता बहुत लंबा है। दूसरा, जेजेपी को चाबी का निशान मिला है, क्या कहेंगे? अभी तो घर में ही मतलब मुसीबत है, चाबी किसके हाथ में दे ओम प्रकाश जी चौटाला। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।